मैडम से हेलो फ्रेंड, मैं शंकरा शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन के आइटम को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशी का एक ईयरिंग लेके आई हूं। और हम वो शुरू करें उससे पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिले। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्रोशे के इयररिंग्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये दो कलर के थ्रेड्स लिए हैं, 20 नंबर के, और बीड्स भी दो साइज के लिए हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए इयररिंग के हुक और क्रोशिया। पर्पल थ्रेड में मैंने पहले से छोटे वाले बीड्स पिरो लिए हैं। अब हम पर्पल थ्रेड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे। अब इसमें बड़ा वाला बीड अटैच करेंगे। क्रोशिये को बीड में इंसर्ट करके लूप बना के निकाल लेंगे और फिर इस लूप को क्रोशिये पे पहले वाले लूप में से निकाल लेंगे। अब 5 चेन्स और बनाएंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी अटैच कर देंगे जिससे बीड बिल्कुल सेंटर में रहे, और फिर एक चेन बना के इसको फर्स्ट चेन से अटैच कर देंगे। अब हम इसके चारों तरफ ट्रबल्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। ये स्टार्टिंग का थ्रेड इसी में अंदर दबाते जाएंगे। बीट के दोनों तरफ 8-8 ट्रबल्स बना लेंगे। एक साइड में 8 ट्रबल्स बनाने के बाद पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ के 8 ट्रबल्स बनाएंगे। दोस्तों, जब भी हम क्रोशिये में डबल कलर से कुछ बनाते हैं तो जब हम एक कलर से दूसरे कलर की तरफ जाते हैं तो जो लास्ट स्टिच होती है वो हमें सेकंड कलर से ही लेना चाहिए जिससे उसमें नीट फिनिशिंग आती है। अब 2 चेन बना के इसको टर्न करेंगे। अब ये फर्स्ट ट्रबल के बाद यहाँ पे हम 3 ट्रबल्स बनाएंगे, लेकिन इनको हम इनकम्प्लीट छोड़ते जाएंगे और लास्ट में एक साथ कम्प्लीट करेंगे। अब ये हम हर अल्टरनेट ट्रबल में बनाते जाएंगे, मतलब 4 बार हम इस साइड बना लेंगे, 4 बीच में जो हमने चेन बनाई थी उसमें हम ये सेम चीज 2 बार बनाएंगे, और फिर बीट के दूसरी साइड भी 4 बार बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब 4 चेन्स बना के इसको इस स्पेस में अटैच करेंगे। ऐसे ही हम 4-4 चेन्स बना के एक स्लिप स्टिच से हर स्पेस में अटैच करते जाएंगे। अब ये लास्ट में जब इसको यहाँ कॉर्नर पे अटैच करेंगे तो पर्पल थ्रेड का लूप बना के इसमें से निकालेंगे। और फिर 2 चेन बना के इसको टर्न करेंगे। सबसे पहले एक बीड आगे कर लेंगे और फिर इन स्पेस में क्लस्टर बनाएंगे। स्टार्टिंग की 2 और लास्ट की 2 में हम 3-3 क्लस्टर बनाएंगे, बाकी हर स्पेस में 2-2 क्लस्टर बनाएंगे, और हर क्लस्टर के बाद एक एक बीड भी लगाते जाएंगे। फिर एक बीड आगे करेंगे और नेक्स्ट क्लस्टर बनाएंगे। इसी तरह हम ये रो कम्प्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 6 चेन्स बना के एक स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देंगे। और फिर इसी चेन में हम इयररिंग का हुक भी लगा देंगे। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत पर्पल बेज इयररिंग तैयार है। दोस्तों, ये
दोस्तों अभी हमने क्रोशिए के पर्पल और बेज लेयर बनाया। आप इसके कलर का सिलेक्शन अपनी ड्रेस के हिसाब से करिए और ओकेजन के हिसाब से करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।